After a long time. हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष अमन और मेरे साथ हैं मोहित। पूरा बोलो तो हम ही आशुतोष ही बोलते रुको। मोहित और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और जो टॉपिक है रिचनेस। ये टॉपिक आया कहाँ से? सबसे पहली चीज ये, जैसे कि आजकल हमारे साथ कुछ ऐसा रिलेटिव्स या फिर कह सकते हैं फ्रेंड्स लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आप बदल गए हो, इस पे हमने लाया है ये टॉपिक रिचनेस। So, सबसे पहले what is richness according to you? सबसे पहले disclaimer मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी बातें होंगी concept और practical बातें होंगी, ये बातें इस तरह पे ना ले जाना कि इन दोनों को घमंड है कोई चीज का और ये लोग साबित करना चाहते हैं कि इनका जो घमंड है वो सच है। नहीं, हम एक प्रैक्टिकल, आई होप आप रिलेट कर पाएंगे हमारी बातों से, प्रैक्टिकल बातें करेंगे। और अगर आपको ये चीज गलत लगता है तो हम पहले से बता देते हैं कि हमारी ऐसे कोई इंटेंशन है नहीं और बस इतना ही। तो आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक है रिचनेस। अब रिचनेस क्या, पूरे वर्ल्ड में रिचनेस मतलब एक ही चीज आता है, अमीर या फिर अमीरी। ठीक है, तो अमीरी का मतलब ये रिचनेस का मतलब सिर्फ कहीं ना कहीं पैसे की तरफ ही जाता है वो। ठीक है, सच है 99% रोल तो पैसे का ही है, बट पैसा आ जाना और या पैसा रहना वो एक रिचनेस नहीं है, ये मेरा पर्सनली मानना है। पहला, अगर किसी को अमीर बनना है, अमीरी बनना है, अमीर दिखना है, तो उसको दिमाग से पहले रिच होना पड़ेगा, मेंटल लेवल, मेंटली। ठीक है, पॉइंट क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप हमारे दादाजी के जनरेशन की बात करें, आप रिलेट करेंगे इन चीज़ों से। आप भी कहते होंगे कि हमारे दादाओं की तो इतनी जमीनें हैं, हमारे दादा के पास इतने सोने थे, इतना धन था, ये था। बट अगर आप उनकी लाइफस्टाइल देखेंगे, मतलब मालूम है ना, उस चूल्हे में खाना बनाना एंड घर भी उतना लग्जरियस अफोर्ड कर सक के भी ना कर पाना, वो होता है। इवन अगर वही चीज आज देखेंगे किसी की इनकम अगर 80,000 1,00,000 रुपए भी है, उसकी लाइफस्टाइल देखेंगे और उसके पास जो जितना पैसा है उतने में उसकी लाइफस्टाइल कैसी हो रही है, वो चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। रिचनेस पैसे से होता है, पूरा होता है पैसे से, लेकिन रिचनेस मतलब मेंटली होना चाहिए। ठीक है, आप उस पैसे का क्या इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं, ये सोच होती है। दूसरी चीज आती है ना यहाँ पर, जैसे रिचनेस लोग कहते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये एक तरह का मतलब चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है। बट बहुत लोग का मानना है और हमारा भी मानना है कि मनी इज एवरीथिंग, सब कुछ पैसा है। मैंने एक बार एक वीडियो में बोला था, एक सेंटेंस बोला था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, हमारी बात कॉन्सेप्ट पर और प्रैक्टिकल बात है, ठीक है, मैं वो इमोशनल बात है ये सब बातें नहीं करना चाहता। आप सुनिए, जो लोग इस चीज को मान लेते हैं कि यार पैसे सब चीज थोड़ी है, तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा ये थोड़ी हो जाएगा, फैमिली है, ये है, वो है, बट ये लोग अपने आप को सोचते हैं कि मैं एक पॉजिटिव थिंकर हूँ, मैं एक मोटिवेटेड पर्सन हूँ, बट उसको ये नहीं पता वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहा है कि भाई तू पैसे मत कमा, क्योंकि ऐसी लाइफस्टाइल चलती है, लाइफस्टाइल भी चलती है, आप लोग जी रहे हैं, तो भाई जो तुम्हारी लाइफ है पूरी, लाइफ किसी की पूरी नहीं है, बट लाइफ तुम कैसे बिता रहे हो ये तुम्हारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। देखिए जिंदगी जो है ना एक ही बार है और इसमें अचीवमेंट्स लाइए ना कि सेटिस्फेक्शन, हाँ ये हो गया बस यार आप तो जी रहे, ये गलत है। हम एक चीज पा लिए, नेक्स्ट चीज को अचीव करने के लिए आगे बढ़िए, क्यों, तभी आप अमीर बन सकते हैं, ना कि पैसे से, दिमाग से, सोसाइटी से, लोग से। अब मेरे कहने का मतलब है खाने पीने की आज के जमाने में किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, दाल चावल रोटी सब्जी ये खा के सब जीते। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, ओके ना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये टैबलेट है जो 6,000 रुपए का, इसके बाद मेरे पास एक फोन है जो खुद 9,000 रुपए का, ठीक है। ये फोन को मैंने लिया था 2016 में, Redmi 4 है वो फोन को मैंने लिया था 2017 में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं iPhone X या 10 जो भी है, ये फोन कितने का आप सब जानते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है रिचनेस मतलब ना एक मेंटली भी होता है। आज के जमाने में अगर आप कोई टारगेट डाल रहे हैं कि यार
मेरे को होंडा सिटी लेनी है एग्जाम्पल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपका दिमाग को पहले रिच होना है कि भाई मेरे को होंडा सिटी चाहिए, फिर आप प्रोसेस बनाओगे कि अब मुझे करना क्या है, प्लान बनाओ, प्लान बनाओ, फिर होंडा सिटी यहाँ है, आप यहाँ है, जब आप होंडा सिटी के लिए काम करोगे ना, जब आप ये लेने लायक हो जाओगे, आपको लगेगा यार होंडा सिटी तो कुछ नहीं, इस फेजेस में आप इतनी चीज सीख के चले जाओगे कि यार होंडा सिटी छोड़ो, बीएमडब्ल्यू की 7 सीरीज भी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं वो भी पॉसिबल होगा। अब आप बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज के लिए काम करना चालू करोगे, मतलब पहले यहाँ से रिच होइए कि यार पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। और जैसे कहा ना मनी इज नॉट एवरीथिंग एंड मनी इज एवरीथिंग, ऐसा दोनों बात ही, तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, जब आपकी ये जो बॉडी है ना जो आपका सबसे साथ देती है, शरीर जब ये खराब होने लगता है ना, जैसे आपका खराब हो रहा है मतलब आप ओल्ड एज के हो रहे हैं या फिर कोई बीमारी हो रही है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना तो वो आपकी बीमारी नहीं सबसे पहले पैसा देखता है, मनी देखता है, पैसा है तो इलाज है ना, और आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो, व्हाट इफ आप वहां पे इलाज ना करा, ना करा पाए, आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो, मे बी अपने उस टाइम, उस टाइम मैंने देखा है कई लोगों को अपनी चीजें बेचते हुए, ठीक है, ऐसा करते हुए। और अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दे, अगर एक स्कूल है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्कूल है, उनके पास आई मीन करोड़ों में फीस आती है स्टूडेंट्स की, क्या वो एक स्टूडेंट की फीस स्पॉन्सर नहीं कर सकते वो स्कूल वाले? बिल्कुल कर सकते हैं ना, कि भाई आप उनको क्या फर्क पड़ रहा है, टीचर को सैलरी उतनी देने, एक बच्चा को लेकर बिठा देना, बट स्टिल वो नहीं करते हैं, ठीक है, आप समझिए मैं फिर बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पैसा क्या है, रिचनेस क्या है, ये खत्म, रिचनेस खत्म। अब आते हैं आदमी अगर रिच हो रहा है या रिच होने के प्रोसेस में है, तो लोगों को लगता है जो उसके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे थे, दोस्त हो गए, फैमिली हो गए, कि भाई इस इंसान के अंदर ईगो आ गया, बदलाव आ रहा है, ईगो नहीं कहेंगे, बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं बिहेवियर में। अब देखिए चेंजेस जो होते हैं ना दो तरीके से होते हैं, लेकिन इंसान में एक ही तरीके से होते हैं, नजरिया दो तरीके से होता है। जैसे हम अपना काम कर रहे हैं तो हम बहुत बिजी हो रहे हैं, बिजी जाहिर सी बात है काम करेंगे बिजी होंगे, टाइम की टाइम का जो वो खपत है वो अब ज्यादा हो रही है ना, तो हमने काम पे फोकस कर रहे हैं, तो जो पहले टाइम हम लोगों को दिया करते थे, फैमिली को दिया करते थे, दोस्तों को दिया करते थे, चिल मारा करते थे, अब नहीं कर पा रहे, देन वो सामने वाला ना सोचने लगता है, अगर वो आपसे थोड़ा दूर रहता है या आपको अच्छे से नहीं समझ पा रहा तो वो समझता है कि आपके अंदर घमंड आने लगा है, ईगो बढ़ने लगा है, बट अगर वो आपको समझता है तो वो आप पे प्राउड फील करता है, ठीक है, दोनों चीजें होती हैं। एक चीज और है कि देखिए अब मान लीजिए दो दोस्त है, ठीक है, और ये दोनों एक लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम हमेशा जो एक दूसरे को टाइम देते थे, आदत इसको इसकी हो जाती थी, इसको इसकी हो जाती थी, बट दिमाग दोनों का अलग अलग है, हो सके इस इंसान को अब लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स करनी है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में कोई भी चीज अगर स्टेबल है, शांत बैठा है और वो किसी प्रोसेस में लग जाता है ना, प्रोसेस में जब वो लगता है तो उसको ना इधर दिखेगा ना इधर दिखेगा, वो एक फेज में बिजी हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अभी प्रोसेस कर रहा है, वो किसी चीज के रास्ते में चल रहा है, तो उस टाइम उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ हूँ, ये मेरा दोस्त यहाँ है, मेरा दोस्त वेट कर रहा है, मेरा दोस्त, उसको ये लगेगा यार मेरा दोस्त था, अंडरस्टैंडिंग है, उसको दिख रहा है मैं काम कर रहा हूँ, तो वो समझ जाएगा, बट आजू बाजू वाले इस चीज को ना समझ के समझ लेते इसके अंदर घमंड आ गया, ये हो गया वो हो गया ये, ठीक है, बट ये सच नहीं होता क्योंकि ये मैंने फेस किया है, इसने फेस किया है। आज टॉपिक बनाने का यही मेन रीजन है कि सोसाइटी हमें गलत समझने लगी है या लोग हमें गलत समझने लगे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी दोस्त हैं, साथ हैं, हम बात तक नहीं करते हफ्ते, आई थिंक हफ्ते 10 दिनों बाद मिल रहे हैं, बात करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, कई सालों से दोस्त हैं, लेकिन इनका फील्ड अलग है, मेरा फील्ड अलग है, और एक दूसरे को समझना है कि भाई वो काम कर रहा होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, टीचर हूँ तो ये काम कर रहा हूँ, तो एक दूसरे को समझना, यहाँ अंडरस्टैंडिंग जो आती है ना ये तभी हो सकती है जब दोनों लोग अपने आप को किसी काम में बिजी रख रहे हैं। और एक और बात मैं ये बता दूं, नोटिस करना जो असलियत में जो घमंड होता है ना वो उन लोगों को आता है जो नया नया कमाना शुरू करते हैं और उनको लगता है, और लगता है यार अब तो मेरे पास जॉब है, जॉब हमारे पास ये है, तो ठीक है तुम कमाओ, लेकिन तुम ऐसा तो मत बोलो यार तुम क्या कर रहे हो आज तक, तुम तो ऐसे बैठे हुए हो, तुम तो कहीं जाते ऐसा, नहीं ऐसा भी है, या फिर कोई बुलाए कहीं पे तो फोकट का बोलना कि यार टाइम नहीं है, मेरा जॉब है, हर बात में मेरा जॉब है, ये है, मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा भी फोकट का बिजीनेस मत दिखाओ, ठीक है, अगर आप बिजी हो तो सामने वाले को दिख जाएगा, सामने वाले को दिख जाएगा, और आप बिजी हो ठीक है, आप भी अपना काम कर रहे हो, लेकिन प्रायोरिटीज भी थोड़ी सी होती है, मत दो, वो भी मैं कहता हूँ मत दो, बट एक्चुअली शो तो मत करो कि तुम बिजी हो और मैं खाली हूँ, हाँ भाई मैं भी बिजी हूँ, तुम भी बिजी हो, मैं जाता हूँ, अपने टाइम पे बिजी हूँ, बट फ्री टाइम होने पे भी जताना कि यार मैं क्यों मैसेज करूँ, मैं क्यों कॉल करूँ, फिर ये सच में गलत है, ये सच में गलत है। अब टॉपिक यही है, रिच होना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है,
रिच इन सेंस की लोगों के पास आज भी मैंने देखा है काफी अच्छी इनकम हो गई है लोगों की, मैंने खुद की देखी है, आई मीन मेरी नहीं लोगों की, बट आज भी अगर उनको मैं बताऊं, सच में बताऊं कि मैंने इतने का शर्ट खरीदा है या यार इतना महंगा शर्ट, मतलब ये नहीं सोचना कि यार इंसान अगर ग्रो हो रहा है तो उसको उसका लुक्स भी चेंज करना, हाँ ये अलग आप कहेंगे कि यार लुक्स इंसान का नहीं डिमांड करता, आई मीन ये नहीं फर्क करता है, इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर रखो ना, बट अगर थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हो, आप पहले 10,000 कमाते थे आप 500 की शर्ट पहनते थे, आज आप 1,00,000 कमा रहे हो, तो ये हाँ आपको करना जरूरी नहीं, आपको इंटरनली लगेगा यार कि अब ग्रोथ, अब अपने आप को अपग्रेड करो, मैंने एक घड़ी पहना है, मुझे जरूरत है इस घड़ी की, बट एक शौक है ये बस, एक घड़ी है मैंने पहना है, अब ये थोड़ी की देखो देखो मैंने घड़ी खरीदा फिर ये गलत है, ठीक है अपने शौक के लिए मैंने खरीदा मैं पहनूंगा, एक टाइम आएगा मैं 20,000 की घड़ी खरीद दूंगा, 1,00,000 की घड़ी खरीद दूंगा, 2,00,000 की खरीदूंगा, 5,00,000, वो जैसे जैसे अपग्रेड करते चलेंगे, वो होती है रिचनेस सोसाइटी, यहाँ पर जो सोसाइटी या दोस्त लोग है ना ये गलत समझते हैं और आपको कहीं कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप प्लीज अपने काम पे फोकस रहिए और अपने काम को करते रहिए, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, जो पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आप हार्ड वर्क करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये पूरी सोसाइटी और ये आपके दोस्त आपके लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, जरूर करेंगे, और हमेशा हाँ फिर वो बोलेंगे यार हाँ इस लड़के ने मेहनत किया है, किसी से बात नहीं करता था, ये सच में बिजी रहता था, अब हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी फेजेस हमने देखा है ना, तो हमेशा ये नहीं कि डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, वो गलत समझ रहा है, अरे मत दीजिए, अभी आप क्या सोचिए, अभी आपका काम करने का फेज है, आप काम करिए, इंडियंस के अंदर ना बहुत आदत हो गई है आजकल, यूट्यूब वीडियो खोला मोटिवेटर, मैं क्या नाम लूँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो अपने वीडियो को मोनेटाइज नहीं करते, ठीक है, लाइक उनके वीडियो देख के खुद को लाइक फील करना कि कोई बात नहीं मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ तो कोई बात नहीं मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं, तो नो यार प्रैक्टिकल हो जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अम्बानी जी की तरह ही करोड़पति बनिए, बट अपने लाइफ को आप समझिए कि भाई लाइफ मिली है और वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है जो चीजों को, वो मैं क्यों ना एंजॉय करूं, और वो लोग जो एंजॉय कर रहे हैं वो भी पैदा होते हैं उस काबिल नहीं हुए, उन्होंने भी मेहनत की है, ठीक है, उन्होंने उस काबिल खुद को बनाया, तो आप भी बनाइए, आप भी एंजॉय करिए, हाँ इंसान तो जी रहा है, एक ये जो टाइल्स दीवार पेंट लगाया मैं झोपड़ी में भी इंसान जिंदा रहेगा, लेकिन मुझे क्यों चाहिए ये सब, मुझे इससे भी लग्जरियस घर चाहिए, मुझे भी चाहिए फोर सीलिंग, मुझे भी चाहिए वेल इंटीरियर डिजाइन कर, ठीक है, और अगर इन केस आपको लगता है कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो प्लीज कमाइए और डोनेट कर दीजिए ना, खत्म मत, तब पता चल जाएगा आपको कि पैसे की क्या जरूरत थी क्या नहीं, आज तक भी ह्यूमैनिटी दिखाइए, नहीं नहीं ज्यादा रूड साइड में नहीं जाना है हमें, ठीक है, हम पॉइंट बस यही कहना चाह रहे हैं, प्लीज ऐसे वीडियोस या ऐसे लोगों को देख के मोटिवेट नहीं होइए कि मेरे आज इनकम 10,000 है तो मुझे 10,000 में खुश होना है, ये वीडियो बना रहे हैं ये तो कह ही रहे हैं कि लाइफ देखो आंखें बंद करो इमेजिन करो, नो मुझे भी अब अपग्रेड करना है, मुझे अब मैं बोर हो चुका है इस चीज से, अब मुझे अपग्रेड करना है, मैं अपने मैं इस फोन को भी कभी ना कभी अपग्रेड करूंगा, आज मैंने इतने कर लिया मैं और बढ़ा लूंगा, सो दिस इज इट, एक ही चीज को हम 50 बार बोल रहे हैं ताकि आपको 50 बार में शायद समझ में आए, अब हम ज्यादा वीडियो का लंबा नहीं खींचेंगे और रिपीट करता हूँ एंड में भी, हम किसी को इमोशनली मेंटली हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, हम एक प्रैक्टिकल बात कर रहे थे, और हमारे बात करने के एक्सेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिर से सॉरी बोलते हैं, बट हमारे एक्सेंट पे नहीं हमारे टोन पे नहीं हमारे शब्दों पे चाहिएगा, ठीक है, और दिस इज अ प्रैक्टिकल, प्लीज फोकस की वीडियोस देखना।